राजेंद्र नगर एमएलए माल्यार्दपल्ली कॉर्पोरेटर बीच का काम शुरू करो। चेवलना एमपी ब्रिज का काम शुरू करो। ब्रिज का काम शुरू करो। सारे लोगों की मौत हो गई इस ब्रिज की वजह से हुई, इस वजह से पूछना चाह रहे हैं, लोग अभी कंफ्यूज होंगे किस वजह से लोगों की मौत हुई। यहाँ पर एक जो है ना एक्सीडेंट हुआ वही सब लोगों को जाते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे मौत हो गए। जो गरीब आ रहे थे ना उनके घरों में जहाँ अचानक हार्ट अटैक आए, कई जनों की तबीयत खराब हो गई। यहाँ से चंद्रान बुट्टे से लेके इंजन बोली को लेके पूरा उस्मानिया तक गए, तक ट्रैफिक जाम से लेके गए तक। गरीब कहाँ जाएगा, पहले लॉकडाउन की वजह से खून चूस लिया ऑलरेडी, तुम लोगों ने कुछ मदद की गवर्नमेंट से, कैसी आ रही कुछ मदद की बताओ, तुम लोग कैसी कुछ गवर्नमेंट की। यहाँ पर पूरे कारोबार नहीं, यहाँ पर कारोबार है पूरे शटर है, यहाँ से पूरे क्लोज कर दिया गया, वहां से पूरे कारोबार बंद हो गए। केस का कोर्ट करना बोलो। यहाँ पर जब रेलवे गेट क्रॉस करके यहाँ से एक फरीद नामी इंसान जो मुगल्स कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 5 में रहते थे, उनका जो है ना जब उनका दिल कैसा बोला होगा, जब ट्रेन जब आ रही थी आपते की जो है ना जो ट्रेन का जो धक्का जो लगा, धक्का लगने के बाद वो जाके इतनी दूर गिरा बंदा, वो तो उनका दिल मतलब कैसा तड़पता होगा बंदा। इसकी जगह कोई और भी होता कल, उस वजह से आज जरूरी था मानना धरना। और कई सारे जो कारोबारी जो है ना यहाँ पर, यहाँ के आप पीछे एक बार वीडियो भी दिखा सकते हैं, पूरे शहर राज्य बंद हो गए, यहाँ के कारोबार पूरा बंद हो गया। बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन था, लॉकडाउन से हटके जो है ना फिर वो जो फ्लड आया, फ्लड आने के बाद फिर भी थोड़ा बिजनेस सेटल जो है ना सेट होता गया लोगों का, उसके बाद भी जो है ना ये रेलवे गेट ब्रिज का काम जो है ना स्टार्ट होने के बाद जो ऐसा बताया गया था कि शुरू में ब्रिज का काम बहुत फास्ट चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ब्रिज का काम आधा अधूरा करके छोड़ के पीछे जितने भी लेबर से वो भाग गए। क्यों भागे? टीआरएस गवर्नमेंट फंड्स नहीं दी, क्यों नहीं दी? यहाँ पर तकरीबन उधर का भी पेंडिंग है, इधर का भी पेंडिंग है। ठीक है भाई, तेलंगाना गवर्नमेंट बोलती नहीं हमारा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तुम लोग क्या कर रही, यहाँ पर सारी रोड पूरी कच्ची है, बच्चे गिर रहे यहाँ पर, ये 4-5 महीने हो गया ना, 5 महीने पहले से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 2-3 महीने से ये कंस्ट्रक्शन बंद पड़ा हुआ है। इससे पहले भी कंदीकल गेट का भी ऐसी कंस्ट्रक्शन रोका गया था, तो कई सालों के बाद पूरा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ की आवाम खामोश बैठने वाली नहीं है, आज पटरी के इस तरफ धरना दिए, कल पटरी के बीच में धरना देंगे, और हो सका तो जो है ना ट्रेन भी रोका जाएगा, फ्यूचर में ट्रेन बराबर रोका जाएगा अगर ये काम स्टार्ट नहीं होगा तो। ये जो ब्रिज बना रहे हैं उनके जिम्मेदारों से आपकी बातचीत हुई? नहीं हुई ऑलरेडी, इससे पहले भी जो है ना यहाँ पर इंजीनियर थे, इंजीनियर ने बोला कि यहाँ पर जो है ना काम थोड़ा पेंडिंग बढ़ा हुआ है, उस तरफ के भी पेंडिंग बढ़ा हुआ है, इस तरफ के भी पेंडिंग बढ़ा है, फंड्स नहीं है बोल के कुछ लोग बोल के गए, वो अपने आप को इंजीनियर बता रहे थे, ऐसा जो है ना इंजीनियर बता रहे थे कि अपने पास फंड्स नहीं आया ज्यादा, इस वजह से यहाँ से जो है ना थोड़े जितने भी है रातों रात की बात कर रहा हूँ, रातों रात जो है ना यहाँ के लेबरों को लेके आके आरटीसी एक्स रोड पे करे। क्यों? आरटीसी एक्स रोड का जरूरी था, यहाँ का जरूरी नहीं है, वहां की आवाम जरूरी थी, यहाँ की आवाम जरूरी नहीं है, आप बोलो यहाँ की आवाम जरूरी नहीं है, राजेंद्र नगर कंसेंस की आवाम जरूरी नहीं है, शास्त्रीपुर और मैलार्ड पॉलिटिक्स।